नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने केवड़िया साबरमती सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। पीएम ने एकता क्रूज का उद्घाटन कर सफर किया। पीएम ने इस क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा की। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आईएएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी फैसला ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाली हो। पीएम मोदी ने कहा कि स्टिल फ्रेम का काम देश को ये एहसास दिलाना होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़ा बदलाव, आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार शीर्ष से नहीं चलती, नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। पीएम ने ट्रेनी आईएएस अफसरों से कहा कि अपने दिमाग में बाबू मत आने दीजिए, आप कहां से आए हैं इसका ख्याल रखिए। देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हैं। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। पीएम ने कहा कि केवड़िया में कुछ ही दिनों में विकास के कई कार्य हुए, जल्दी यह स्थान दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने वाला है। पीएम ने कहा कि यह भी अद्भुत संयोग है कि आज ही वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस संस्कृति एकता का दर्शन करते हैं उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। राजघराना में सीएम मनोहर लाल ने रैली की, कहा कि चुनाव कांग्रेस गठबंधन के बीच में है, दोनों कैंडिडेट्स की आप खुद तुलना करें कि कौन बेहतर है। सीएम ने कहा कि योगेश्वर ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। योगेश्वर हल्के की समस्याओं को सदन में उठाएंगे, जबकि अभी तक कांग्रेस के विधायक की आवाज तक नहीं सुनी। सीएम ने कहा कि योगेश्वर के समर्थन के लिए युवाओं में उत्साह है, ये चुनाव जात पात पर नहीं होगा, ये चुनाव विकास के लिए लड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बनाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कदम उठाए, आप जरूरतें बताइए हम काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योगेश्वर के समर्थन के लिए युवाओं में उत्साह है। वहीं सीएम ने कहा कि ये चुनाव जात पात पर नहीं, विकास के लिए लड़ा जाएगा। योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि योगेश्वर देश के लिए गौरव है, वही कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई नहीं जानता। योगेश्वर दत्त को वोट देने की अपील करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि योगेश्वर दत्त लोगों के बीच में रहकर काम करेगा। सरकार गिराने के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार प्रदेश हित में काम कर रही है, किसी के कहने से सरकार गिरने वाली नहीं है। कृषि कानून पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस किसानों में सिर्फ भ्रम फैला रही है, कांग्रेस कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकती। सीएम ने कहा कि निकिता हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। पाकिस्तान को लेकर सीएम ने कहा कि पुलवामा में पाकिस्तान के चेहरे का नकाब उतरा है और आतंकवाद का सच सामने आया है। धान की पराली जलाने पर जुर्माने व सजा को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र व कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री से बात करेंगे और केंद्र सरकार के लेवल पर चैलेंज भी करेंगे, हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। बरोदा में जीत का दावा करते हुए दुष्यंत ने कहा कि बरोदा की जनता का भरपूर स्नेह और समर्थन गठबंधन उम्मीदवार को मिल रहा है। पिथला के गांव सीकरी के सरपंच की दबंगई से परेशान सैकड़ों दलितों ने विधायक नंदपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। ये मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क की जमीन को खुर्द बुर्द करने वाला है।
लोगों का आरोप है कि पार्क की जमीन पर जबरन कब्जा करवाया जा रहा है, जबकि जमीन उनके समाज के नाम पर है। और इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। विधायक नयनपाल रावत ने लोगों को आश्वासन दिया, कहा कि जिन्होंने भी मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बल्लभगढ़ में पत्रकार की बेटी की याद में रोटरी क्लब ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और पत्रकार के स्वर्गीय बेटे को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, ये रक्त जिंदगी और मौत से लड़ने वाले हर इंसान को जीवन दान देता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए। बड़ौदा के बुटाना गांव में दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली और अपने उम्मीदवार इंदुराज के लिए लोगों से वोट की अपील की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पिछले 6 सालों से इस हलके में कोई भी विकास नहीं हुआ है, इस उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेगा। भिवानी में कांग्रेस के किसान अधिकार दिवस पर सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सहित कई बड़े नेता पहुंचे। पंचकुला में वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित हवन और भंडारे में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। बड़ौदा उपचुनाव में जुटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 36 बिरादरी का जन समर्थन मिल रहा है, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार की भारी जीत होगी। हुड्डा ने कहा कि पिछले चुनाव में जो वोट जेजेपी को मिले थे वो बीजेपी के विरोध में मिले थे और वो सारे वोट अब कांग्रेस को मिलेंगे। वही हुड्डा ने नेलो पर हमला बोला, हुड्डा ने बताया कि नेलो के कार्यकाल में भी कभी काम नहीं हुआ और ना ही किसी गरीब के बारे में सोचा गया। कृषि कानून पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बाहर की मंडियों में पूंजीपति मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएंगे। निकिता हत्याकांड पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फरीदाबाद में जो हुआ बहुत घिनौना था, कुमारी शैलजा का विरोध निंदनीय था। कैथल में अचार फैक्ट्री के 4 सैंपल खराब मिले, स्वास्थ्य विभाग ने खराब अचार के 40 ड्रमों को निकलवा करके जमीन में दबा दिया। अचार फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग छापेमारी की थी और इस दौरान फैक्ट्री में सड़ा हुआ कीड़े चलता हुआ गंदा अचार पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने अचार के सैंपल लेकर लेबोरेटरी को भेजा था, जिसमें से 4 सैंपल खराब पाए गए थे। विभाग की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ गई है। 160 ड्रम में लगभग 200 किलो अचार सील किया गया था, लेकिन मीडिया के सामने 40 ड्रम अचार ही जमींदोह किए गए, बाकी अचार कहां गया इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। सोनभद्र में सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, बरोठा गांव में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाए गए पटाखे और सामान बरामद हुआ। कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर बीती रात रेलवे पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसके तहत अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस ने जांच की। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर भी नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत रेलवे पुलिस के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन में ठहरे यात्रियों के सामान की तलाशी ली और इस दौरान रेलवे पुलिस थाना कार्यालयों की भी तलाशी ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान के तहत रेलवे पुलिस के सभी कर्मचारियों ने टीमें बनाकर के यात्रियों और सामान की तलाशी ली। अभियान का मकसद अपराध की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा है। फतेहाबाद में गांव बड़ोपाल के पास कार में आग लग गई, गाड़ी के बोनट में आग लगी, कार चालक ने तुरंत कार रोक करके आग बुझाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कार चालक हिसार से सिरसा की तरफ जा रहा था। नूह में बाल कल्याण विभाग की ओर से बाल महोत्सव पर चलाई जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिता को लेकर के बाल कल्याण अधिकारी ने मोहल्ला पाठशालाओं का दौरा किया और प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की अपील की। बाल कल्याण अधिकारी ने कहा कि मल्टी टैलेंटेड छात्रों को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग दिलवाना चाहिए, ताकि उनकी छुपी हुई कौशल प्रतिभा उभर करके सामने आ सके। खाद्य पूर्ति विभाग के एसीएस पी के दास ने कहा कि प्रदेश में अभी तक हुई 49 लाख टन धान की खरीद हुई है, वही 42 लाख टन धान राइस मिलों में पहुंचाया गया है। पीके दास ने कहा कि प्रदेश में तीनों एजेंसियों ने 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, साथ ही 25 तारीख तक भुगतान किसानों और व्यापारियों के खाते में पहुंचा दिया गया है।
सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर क्रॉप लोन देने की नई योजना बना रही है और इस योजना के तहत 0% ब्याज पर ऋण मिलेगा। करनाल में आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या और आए दिन नागरिकों की शिकायत के बाद आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम शुरू हो गया है। इससे अगले कुछ महीनों में कुत्तों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। जिस एनजीओ को नगर निगम की ओर से नसबंदी का ठेका दिया गया है वो नसबंदी के साथ साथ हर डॉग को रेबीज का टीका लगा करके वैक्सीनाइज भी कर रहा है। नथिया में पुलिस की गश्त के बावजूद भी शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात चोर एक घर के आगे खड़े कैंटर को लेकर के फरार हो गए। निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बल्लभगढ़ से पूर्व सीपीएस शारदा राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने बल्लभगढ़ बाजार में रोष मार्च निकाला। हरियाणा पुलिस द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। पलवल में अधिकारियों और जवानों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। फरीदाबाद में युवक की पत्थरों से पीट पीट करके हत्या कर दी गई घटना गांव मचघर की है। आपसी रंजिश के तहत चलते परिवार के लोगों ने ही युवक को मौत के घाट उतारा और परिवार वालों ने चचेरे भाई और उसके साथियों पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने आगे मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में महिला वकील की मौत के मामले में आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ परिवार लगातार अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए भटक रहा है। आपको बताएं कि 10 अगस्त को 27 साल की रितु शर्मा की लाश पीजी में मिली थी। लड़की के परिवार ने एक दूसरे वकील पर शादी का झांसा देकर के अवैध संबंध बनाने का आरोप भी लगाया। ओसली में तहसील की गंदगी भरी तस्वीर सामने आई है। तहसील के शौचालयों में शराब की बोतलें भरी हुई मिली। वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों का सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रादौर में हाईवे के किनारे खराब खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर के कैंटर से टकरा गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। करनाल में कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी जिसमें एक खोया खिलाड़ी की मौत हो गई। खिलाड़ी सीख पथरी गांव का रहने वाला है। गुहाना में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 544 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के लिए 5 टीमें गठित की गई थी जिनमें से 284 मतदाता पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर चुके हैं। डीसी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना को लेकर लोगों को ऐप की सुविधा दी गई है जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचना और शिकायतें दी जा सकती है। डीसी ने बताया कि ऐप पर आदर्श आचार संहिता की अवहेलना की है और अब तक 63 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें से 31 शिकायतें सही पाई गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हल्के के 54 में से 20 गांव को अति संवेदनशील गांव के रूप में चिन्हित किया गया। 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए हैं। फरीदाबाद में रास्ते में बैठी एक गाय को युवक ने बुरी तरह से पीटा। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। छाइंसा गांव शाहपुर खादर की यह घटना बताई जा रही है। रादौर नगर पालिका में ग्रांट राशि के अभाव में शहर में विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। नगर पालिका के बनाए जा रहे खेल स्टेडियम का भी निर्माण कार्य ग्रांट राशि के अभाव में अटका पड़ा है। निर्माण कार्य रुके होने के कारण इस जगह पर गंदा पानी जमा हो गया है। जिस स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी थी वहां आवारा पशु घूम रहे हैं। खेल स्टेडियम के अभाव में खिलाड़ियों में भी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अब उन्हें जान जोखिम में डालकर के सड़कों पर प्रैक्टिस करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सोनीपत में सिटी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह पर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके पर फरार हो गया। पुलिस के 100 नंबर हेल्पलाइन पर किसी शख्स ने फोन किया था कि काठमांडी एरिया में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पाकर जांच अधिकारी महेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो नरेंद्र नाम के शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 मापी गई। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दी है। भूकंप ने तुर्की में भारी तबाही मचाई है। इसमें कई जगह इमारतें गिर गई हैं। 27 लोगों की मौत हो गई है जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली में रहने वाले लोगों पर कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ी है। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं तो हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है।
देश में 24 घंटे में 48,117 नए केस मिले, 550 मरीजों की मौत हुई, 81 लाख से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 127 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,837, अब भी 1,25,418 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 2,608 नए केस, अब भी 23,532 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल और एक दिन में मिले 2,187 नए केस, अब तक 4,48,644 से ज्यादा मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव और एक दिन में 1,794 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,95,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने 5,891 नए केस, 47 लोगों की हुई मौत और 32,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,886 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,20,000 के पार, 25,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,65,000 के पार, पिछले 24 घंटे में मिले 1,650 नए मरीज, 11 की मौत, एक्टिव केस 11,815 से ज्यादा। सिरसा में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कोरोना के 92 केस आए सामने, 66 मरीज सिरसा शहर से आए पॉजिटिव। सिरसा में कोरोना के 479 एक्टिव केस, वहीं अब तक 80 लोगों की हो चुकी है मौत। गुरुग्राम में 399 नए केस और 3 लोगों की हुई मौत, कोरोना के अब 3,392 नए केस हैं एक्टिव। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,189 केस एक्टिव और 25,015 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। सोनीपत में 69 और हिसार में 195 लोगों में कोरोना की पुष्टि, रोहतक में 106 नए मामले मिले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,58,00,000 के पार, अब तक 11,93,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, पूरी दुनिया में अब तक 1,14,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 93,00,000 के पार, अब तक 60,24,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,59,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, कुल मरीजों की संख्या 15,99,000 के पार और अब भी 3,71,000 से ज्यादा केस एक्टिव।